सो गाइस, मेरी बात अब जो मैं बोलने वाला हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ऑफिस रोज़ जाते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो आप रोज़ एक नई चीज़ सीखते हो। ऐसा नहीं कि आप आज कुछ भी नहीं सीखे, ऐसा कभी मत समझना। हर हर एक दिन आप बहुत चीज़ें सीखते हो और वो सारी चीज़ें आपको आगे लाइफ में बहुत काम आती है। सो वंस अगेन गाइज, हेलो, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, मेरा नाम है देवेश, मैं हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लाइफ स्टाइल पे, उनके वर्किंग कल्चर्स पे सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आपने हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं तो भाई क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो इंडिया ने एशिया कप जीत लिया, ये कल ही हुआ, 51 का स्कोर मिला था, जो कि श्रीलंका का बहुत बुरा हाल हुआ। बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन बहुत बेस्ट थी, तो आई गेस आप सबने इंजॉय किया रहेगा। सो अभी एशिया कप जीता इंडिया ने, लेकिन एशिया कप जीतने से क्या होएगा यार, वर्ल्ड कप जीतो तो ज़्यादा सबको ज़्यादा खुशी होएगी। सो अभी वर्ल्ड कप का इंतज़ार है, वर्ल्ड कप भी अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है। तो हर एक एम्प्लॉई जो ऑफिस जाता है रोज़, जिसको क्रिकेट मैच देखने की टाइम नहीं मिलती है, हमें भी सेम नहीं मिलती। मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन हमारे ऑफिस में भाई स्क्रीन है, डिस्प्ले है, जिस पे हम लोग सब थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। सो दैट वाज द केस सिनेरियो जो हम देख ले रहे थे। सेकंड थिंग, अपग्रेड योर स्किल्स, स्किल्स को अपने अपग्रेड करो एंड अपने माइंड को बहुत काम रखो, शांत रखो, लेकिन बहुत शार्प रखो। आप जो भी, आप जैसा भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। सेकेंड थिंग, आप जब ऑफिस रोज जाते हो, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या फ़र्क है, मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एकदम ग्राउंड लेवल पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको दिल से मेरा चैनल अच्छा लगे। मैं कोई ज़्यादा फ्लेवर्ड ओवर नहीं बोलता इस वीडियो में, अपने हर एक वीडियो में क्लियर एंड सिंपल सेंटेंसेस बोलता हूँ, जिससे सबको समझे और एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। सो गाइस, वर्क फ्रॉम होम में आपको पता है बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। आप ऑफिस के एटिक्वेट्स एंड एथिक्स नहीं सीख सकते, जो कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस आते हो तो ही सीख सकते हो। अगर वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे, और काफ़ी सारी मिस कॉन्फ्लिक्ट्स, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि गाइज आप वर्क हार्ड ही करो, वर्क स्मार्ट यार, मतलब चीज़ें जो स्मार्ट वे में आप कर सकते हो वो करो एंड वर्क हार्ड एंड या लाइफ इज ऑल। तो गाइज, मैं सेम आप सबको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो आपने कल मैच देखा या नहीं देखा, इंडिया वर्सेज श्रीलंका, इंडिया वर्सेज बांग्लादेश। इस मैच में हुआ क्या, श्रीलंका को तो इंडिया हरा दी, ठीक है, लेकिन यही बांग्लादेश को इंडिया नहीं हरा पाई थी, और बांग्लादेश ने ज़्यादा टाइम टारगेट भी नहीं दिया था। इससे हमें ये सीख मिलता है कि अपने आप कभी भी ओपोनेंट को, अपने कभी भी जिस जो सामने आपके कंपटीटर है उसको कभी भी कमज़ोर मत समझो। भले उसे कुछ आता हो या ना आता हो, भले उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्किल्स हो या ना हो, लेकिन उसे कमज़ोर कभी मत समझो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम दैट सिनेरियो। सेम IPL 2023 के भी केस में ये हुआ था। लास्ट के दो बॉल में चाहिए थे रन, और जडेजा ने 6 और 4 मार के जिता दिया था। सबको लग रहा था कि नहीं जीतेगी गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या लोग बहुत ही एरोगेंट और बहुत ईगो में आ गए थे भाई कि हम जीतेंगे। मोहित शर्मा बॉल कर रहे थे लास्ट ओवर, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक्सपीरियंस मैटर्स यार। सामने बंदा जो बैटिंग कर रहा था, रविंद्र जडेजा, उसको इतना एक्सपीरियंस है, उसने एक छक्का चौका मार के निकाल लिया। टीम पूरी गुजरात की देखती रह गई कि आपका विजन, आपका फोकस एकदम क्लीन होना चाहिए। आप जिस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो एकदम उसमें आना चाहिए। आपको ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस अपने काम में नहीं लाना है। अगर आप लाओगे तो आप गिर जाओगे, नज़र हटेगी आपकी, आप कुछ ना कुछ लॉस कर लोगे। इसलिए आपका फोकस आपके काम पे रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सो गाइज, मैं अपने फ्री टाइम पे आया हूँ अपने कैंपस में, एंड ये है मेरा कैंपस, आप सब बैकग्राउंड में देख सकते हो। एंड मैं फ्री टाइम में बैठा हूँ, तो हर फ्री टाइम में मैं एक वीडियो बनाता हूँ सारे फ्रेशर्स के लिए, जो कि आपको कहीं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। मैं वो इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ सारे फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस को, और मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या मैंने चैलेंजेस फेस किया जब मैं फ्रेशर था। मैंने अपने फर्स्ट कंपनी को जब दूसरी कंपनी में गया तो मैंने सेकंड कंपनी में क्या चैलेंजेस फेस किए। ऐसे मैं हर एक कंपनी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता हूँ वो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। लास्ट थिंग, शेयर मोर एंड लर्न मोर। आप जितना शेयर करोगे आपको उतनी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नॉलेज शेयर करने से और बढ़ता है गाइस, सो शेयर मोर एंड लर्न मोर। एंड चीज़ें को सिंपल रखो, एंड अगर आप एक्सपीरियंस हो और या फ्रेशर हो, ये सब चीज़ें जो मैंने आज इस वीडियो में बताई है, दोनों जन के लिए, दोनों ही एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों ही कैंडिडेट के लिए बहुत मायने रखती है। एंड मेक योर बॉन्डिंग, मैंने और भी सारी वीडियोस डाली है, प्लीज़ गो एंड वॉच, और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी, सो प्लीज़ वॉच। एंड वैसे और भी ओरिजिनल कंटेंट आता रहूँगा। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड। आपको बिना हार्ड वर्क किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लाइफ इज ऑलवेज स्ट्रगल, लाइफ ऑल अबाउट स्ट्रगल। सो आज की वीडियो का इसमें ये बताना चाहता था कि हमें अपोनेंट को समझना है। एंड इंडिया एशिया कप जीत ली है, सो वी ऑल आर गुड। एंड इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, प्लीज़ टेक केयर एंड अपना ध्यान देना। वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।
आपको अगर कोई सजेशन है या कोई एडवाइस है या कोई चीज़ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आप सबको अपने आपके क्वेरीज का आंसर करने के लिए। और आपको कोई भी फ्री क्वेरी हो यार, पूछो बिंदास वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।